हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम रूबरू होते हैं एक दूसरे से यूपीएससी सीएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड स्टफ को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर, आपकी क्वेरीज को शांत करने के लिए काफ़ी सारी हम चीज़ें उपलब्ध कराते हैं और साथ ही हम आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आते हैं आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और आईपीएस ऑफिसर्स के, और यही नहीं और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई सक्सेस स्टोरी को सुनाने के लिए, जो है आईएएस नवजीवन पवार की। बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, आपको भी मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा। यूँ तो बहुत से अफसरों की संघर्ष की कहानियाँ आपने सुनी ही होंगी, निश्चित ही सुनी ही होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको एक ऐसे आईएएस की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने आईसीयू में अपनी यूपीएससी की पढ़ाई की। जी हाँ दोस्तों, साल 2018 में यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस अफसर बनने वाले नवजीवन पवार हिम्मत और हौसले की मिसाल है। उन्होंने इस सफर में आने वाली कठिनाइयों का डटकर सामना किया और आखिरकार सफलता प्राप्त की। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी निश्चित ही कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवजीवन ने अफसर बनने के अपने सपने को बीमारी और अस्पताल के बिस्तर तक पर जिंदा रखा। वो आईसीयू में ही पढ़ाई करते रहे थे। आइए सक्सेस स्टोरीज में आइए अब आज जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। महाराष्ट्र के रहने वाले नवजीवन पवार ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी दोस्तों। हालांकि एक समय में उन्हें एक ज्योतिषी ने कहा था कि आपको किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने इस बात को गलत साबित करके दिखा दिया। भले ही उनका आईएएस बनने का सपना पूरा करना एक लंबा सफर नहीं रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। जी हाँ, एक बार तो उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी वहां भी नहीं रोकी थी बल्कि दोगुने हौसले के सवा दवाइयां खाते हुए भी वो पढ़ते रहे थे। अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। उनका जन्म हालांकि महाराष्ट्र के गाँव में हुआ था और उनके पिता एक किसान थे, लेकिन उनका बचपन बेहद परेशानियों से गुजरा था, ये भी बहुत बड़ा सच है। वे पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, इसलिए उनके परिवार वालों ने यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्हें दिल्ली भेजने का फैसला कर लिया। हालांकि दिल्ली में कोचिंग के दौरान एक बार उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उन्हें अस्पताल भी पहुँचाना पड़ा था, तो पता चला कि उन्हें डेंगू हुआ है। ऐसे में परिवार वालों ने उन्हें अपने पास बुला लिया था। यहाँ नवजीवन को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। वो रुके नहीं, उनकी जिद इतनी पक्की थी, उनका जुनून इतना सच्चा था कि उन्होंने अस्पताल में भी अपनी तैयारी शुरू रखी थी। उनको डेंगू हुआ तब यूपीएससी की प्री परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स वो पास कर चुके थे और मेंस की तैयारी में महज एक महीना ही बचा था। ऐसे में उन्हें हॉस्पिटल में लंबा वक्त भी गुजारना पड़ा था, तो इस दौरान नवजीवन को अपनी तबीयत से ज़्यादा यूपीएससी की परीक्षा की चिंता थी और इसीलिए उन्होंने आईसीयू में अपनी पढ़ाई शुरू भी कर दी थी। यह देखकर उनके इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए थे और उनको सलाम करते थे कि जज्बा हो तो ऐसा हो। हालांकि नवजीवन ठान चुके थे कि परिस्थितियां जो भी हों उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में पास होकर खुद को साबित करना है, और अस्पताल से वापस आने के बाद उन्होंने पूरी जान लगाकर तैयारी की। उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और पहले ही प्रयास में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। नवजीवन दूसरे कैंडिडेट्स को कुछ सलाह देना चाहते हैं, हालांकि वो जानते हैं सबका अपना तरीका होता है, फिर भी एक कुछ टिप्स वो शेयर करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करनी चाहिए। उनका कहना है कि इस सफर में आपके सामने बहुत चुनौतियां आएंगी जिससे आपको लड़कर जीतना होगा। कई लोग आपको मोटिवेट करते होंगे, कई लोग कोशिश करेंगे कि नहीं आपका मोटिवेशन कम करें, आपको डीमोरलाइज करें, लेकिन उन पर ध्यान न देकर आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा। वे कहते हैं कि अगर आपको यूपीएससी में आने का फैसला
करना है और अगर आपने कर ही लिया है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको पूरी जान लगा देनी चाहिए। अगर आप सही रणनीति के साथ ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और कोई नहीं रोक सकता आपको सफलता प्राप्त करने से। जैसे कि नवजीवन ने बताया कि ज्योतिषी की कही बात को भी उन्होंने गलत साबित कर दिया, वैसे ही आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों, और निश्चित ही उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। तो जुट जाइए तैयारी में और साबित कीजिए खुद को। अगली सक्सेस स्टोरी क्या पता आपकी ही हो। तो चलती हूँ मैं, मिलूंगी फिर मैं यहीं आपसे प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।